हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबेजी की गाड़ी। दिसंबर 2021 खत्म हो चुका है और इस महीने के कार ब्रांड सेल्स आ चुके हैं। इस पर काफी सारी शॉकिंग चीजें हुई। ये पूरा साल भी अजीब था और आखिरी महीने में भी कार वर्ल्ड में काफी नई चीज हुई, यानी कि हुंडई का नंबर 2 का स्पॉट चला गया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी कार के ब्रांड के सेल्स को मिस आउट ना करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15 पे आती है सिट्रन। सिट्रन ने 24 यूनिट सेल किए हैं। पिछले साल इस टाइम अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इसके सेल पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में कम हुई है। नंबर 14 पे हमने फोर्स को रखा है। अभी तक फोर्ड रहती थी, पर फोर्ड के जाने के बाद हमने सोचा कि चलो फोर्स को इंक्लूड कर देते। तो फोर्स ने 145 यूनिट्स बेची हैं, यानी कि 145 कार्स, जो पिछले साल से 5% का मार्जिनल इंक्रीज है। बेसिकली कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। नंबर 13 पे आती है जीप। जीप ने 916 यूनिट्स बेची हैं। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है तो जीप कंपस का रहा है, और इसके सेल 137% बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले में। मतलब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे जीप को मिला है। नंबर 12 पे आई है एमजी मोटर्स। एमजी ने 2550 यूनिट सेल किए हैं, जो पिछले साल से 36% का डिक्लाइन है। अगर इसमें किसी सबसे बड़े प्लेयर को इम्पोर्टेंट माने तो वो है एमजी हेक्टर के सेल्स कम होना, क्योंकि जब से XUV700, हैरियर, सफारी ये सब आए तब से हेक्टर की सेल्स काफ़ी कम हो गया है। नंबर 11 पे आती है निसान। निसान ने 3010 यूनिट सेल किया, जो पिछले साल से 160% का ग्रोथ है। मतलब निसान के लिए मैग्नाइट बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है और लगातार उसकी सेल्स को इंक्रीज कर रही है। अब हम टॉप 10 में आते हैं। तो नंबर 10 पे आती है स्कॉडा। स्कॉडा ने 3234 यूनिट सेल किए, जो पिछले साल से 148% का ग्रोथ है। मतलब कि स्कॉडा ने जोरदार ग्रोथ हासिल किया, कुशाक ने काफी कंट्रीब्यूट किया और जल्दी अब स्लाविया भी आने वाली है। नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे आती है VW। VW ने 3700 सेल किए हैं, जो पिछले साल से 54% का ग्रोथ है। जिस तरह से स्कॉडा के लिए कुशाक ने काम किया, वैसे ही VW के लिए टाइगुन ने काम किया और दोनों की सेल्स काफी अच्छे इम्प्रूव हुए हैं। नंबर 8 पे आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट ने 6130 यूनिट सेल किए। रेनॉल्ट पिछले काफी टाइम से कोई नया प्रोडक्ट लाई नहीं है और काइगर के सेल्स उतने ज्यादा नहीं हो रहे जितने मैग्नाइट के हो रहे। रेनॉल्ट के 37% सेल्स कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। नंबर 7 पे एक और शॉकिंग नाम, ये है किया। किया ने 7797 यूनिट सेल किया है। किया के सेल 34% कम हुए। पहले ये कहा नंबर 4 या 5 पे रहती थी, वहां से इस बार नंबर 7 पे आ गई है। नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आती है होंडा। होंडा ने 7973 यूनिट सेल किए। इसके भी सेल पिछले साल के मुकाबले में 8% कम हुए, लेकिन किया के सेल उससे कहीं ज्यादा गिर गए, इसलिए होंडा की रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। जो 7-8 पे आती थी वो 6 तक आ गई। नंबर 5 पे आती टोयोटा। टोयोटा ने 10,832 यूनिट सेल किया और इसके सेल 45% बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। मतलब टोयोटा के लिए मारुति की गाड़ियां बेचना काफी सक्सेसफुल साबित हो रहा है, और अब जल्दी ही सियाज भी आने वाली है, अर्टिगा भी आने वाली है, तो टोयोटा की सेल और एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव होंगे। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे आते हैं महिंद्रा। महिंद्रा ने 15,338 यूनिट सेल किया, जो पिछले साल से 12% का इंक्रीज है। वहीं पे नंबर 3 की बात करें तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने में मिलता है, यानी कि नंबर 3 पे है ह्युंडई। ह्युंडई ने 32,312 गाड़ियाँ सेल की, जिसमें 32% का डिक्लाइन आया है, और यही नतीजा है कि ह्युंडई अब नंबर 3 पे चली गई। वहीं नंबर 2 पे टाटा। टाटा ने 35,300 गाड़ियां सेल की और इसके सेल पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़े हैं। टाटा के जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, यानी कि पंच है, अल्ट्रॉस, निक्सॉन, जो पूरा नया ये लाइनअप आया, उसने काफी अच्छी तरह से मार्केट को कैप्चर किया है और बहुत तेजी से नंबर 3 से नंबर 2 का भी स्पॉट हासिल कर लिया है। यानी कि नंबर 1 प्लेयर के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। ये है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने 1,13,000 गाड़ियां सेल की हैं और इसके भी सेल 12% कम हुए हैं। मारुति सुजुकी ने अभी अभी सिलेरियो को लॉन्च किया है, लेकिन उसके बाद भी ये सेल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया है। तो ये तो थी टॉप 15 कार ब्रांड्स।
आप क्या चाहते हैं कि इनमें से और भी कोई चेंजेस फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है? और अगर आप टॉप 10 सेलिंग कार या टॉप 25 सेलिंग कार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।